नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी। जिसे समझने के लिए हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। देखते हैं क्या है आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी। सबसे पहले हम एनिसोट्रॉपी के बारे में समझते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं और उन सब्सटेंसेस की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। यदि हम इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को किसी सब्सटेंस के डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, इनकी वैल्यू अलग अलग आती है। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी आदि की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, ऐसे सब्सटेंसेस को एनिसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कहते हैं और इस फिनोमिना को एनिसोट्रॉपी कहते हैं। हम इसे इंग्लिश में भी इसी तरह समझ सकते हैं, द सब्सटेंसेस विच हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एनिसोट्रॉपी। हम पहले इसके बारे में कंप्लीट कर लेते हैं। मान लेते हैं एक क्रिस्टल है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें एनिसोट्रॉपी पाई जाती है, और जो क्रिस्टल होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट है, जैसे लार्ज मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल, सबने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया। तो इसी तरह यहाँ आप पूरे क्रिस्टल को देखते हैं, इसमें एक रेगुलरिटी पाई जा रही है, और जिसमें रेगुलरिटी पाई जा रही है वहां हम देखते हैं क्या सिस्टम आ रहा है। हमने किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू इस डायरेक्शन में देखने का प्रयास किया। आप इस डायरेक्शन में देखते हैं कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी किन किन मॉलिक्यूल्स को फेस करती हुई पहुंच रही है। जैसे आपने देखा ये फिजिकल प्रॉपर्टी के लेफ्ट साइड देखेंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल, स्मॉल लार्ज, ऐसे मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड हैं। उसी तरह स्मॉल लार्ज मॉलिक्यूल्स राइट साइड भी प्रेजेंट है। यानी ऐसी प्रॉपर्टी को दोनों साइड स्मॉल लार्ज के तरह के मॉलिक्यूल्स से फेस होना पड़ता है। अब यदि हम डायरेक्शन चेंज करें, सपोज हम इस डायरेक्शन में उसी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करना चाहते हैं, तो इस डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू आई थी, अब इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू इससे डिफरेंट आएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? उसका रीजन ये है कि पहले वाली जो डायरेक्शन आपने देखा उसमें मॉलिक्यूल्स किस तरह के फेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इसी फिजिकल प्रॉपर्टी को कैसे मॉलिक्यूल को फेस करना पड़ता है। आप देखते हैं अपने लेफ्ट साइड स्मॉल मॉलिक्यूल्स के साथ और राइट साइड लार्ज मॉलिक्यूल के साथ फेस कर रही है, जबकि पहले आपने देखा था दोनों डायरेक्शन दोनों साइड पर स्मॉल लार्ज मॉलिक्यूल से फेस करना पड़ता था, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरफ केवल स्मॉल मॉलिक्यूल और एक साइड लार्ज मॉलिक्यूल के साथ इसको फेस करना पड़ रहा है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम एनिसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कहते हैं, जिनमें इस तरह की फिनोमेना पाई जाती है, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपी कहते हैं। लेकिन आइसोट्रॉपी क्या है? ठीक उसी का अपोजिट है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सभी डायरेक्शन पर सेम आ रही हो, ऐसे सब्सटेंसेस को आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कहते हैं और इस फिनोमिना को आइसोट्रॉपी कहते हैं। जैसे हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, द सब्सटेंसेस विच हैव सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन
are called isotropic substances and this phenomena is called isotropy. अब उनमें ऐसा क्या होता है कि सभी डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू सेम आती है, तो क्यों आती है? क्योंकि इनमें इरेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है. आइसोट्रॉपिक में इरेगुलर अरेंजमेंट मीन्स कहीं स्मॉल है तो लार्ज स्मॉल, कहीं लार्ज लार्ज फिर स्मॉल या लार्ज, ऐसे कर दिया फिर ऐसे, ये स्मॉल लार्ज लार्ज स्मॉल लार्ज, इनका कोई इरेगुलर अरेंजमेंट है, कोई सीक्वेंस नहीं है. तो यदि हम कहते हैं इस डायरेक्शन में चलते हैं तो इस डायरेक्शन में उसको फेस करना पड़ रहा है, कहीं पर भी स्मॉल लार्ज इधर स्मॉल लार्ज ऐसे चलते हैं तो यहाँ पर भी स्मॉल लार्ज, कहीं स्मॉल स्मॉल आ जाते हैं, कहीं लार्ज लार्ज आ जाते हैं. तो जो फिनोमेना एक डायरेक्शन में होती है उसी तरह के मॉलिक्यूल्स से फेस करना पड़ता है दूसरे डायरेक्शन में भी. यही कारण है कि ऐसे सब्सटेंसेस में वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन पर सेम आती है. ऐसे सब्सटेंसेस को आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कहते हैं, आइसोट्रॉपिक. और ये किसके लिए है? एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के लिए. और फिनोमेना का नेम हो जाता है एन आइसोट्रॉपी. और इसी तरह इधर फिनोमेना का नेम हो जाता है आइसोट्रॉपी. तो दोस्तों आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी के एग्जांपल कौन कौन से हैं? एन आइसोट्रॉपी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में पाई जाती है और आइसोट्रॉपी आपका एमार्फस सब्सटेंसेस में पाई जाती है, मींस एमार्फस सॉलिड्स में पाई जाती है. लेकिन मैंने आपको ये डिफिनेशन बता दिया है और इसके बावजूद भी हमें आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी की डिफिनेशन कभी कभी भूल भी जाती है. तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है? जब एग्जाम में स्टूडेंट बैठता है तो उस समय अचानक उसको भूल जाता है और वो क्या करता है, आइसोट्रॉपी की डिफिनेशन एनाइसोट्रॉपी में लिखने का प्रयास करने लगता है और एनाइसोट्रॉपी की डिफिनेशन आइसोट्रॉपी में लिखने लगता है. यह बात हमें ना भूले तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक पढ़ेंगे और उसी ट्रिक के माध्यम से हम दोनों को इजीली डिफाइन कर सकते हैं. अब हमारी ट्रिक क्या है उसे देखना है. हम यहाँ पढ़ेंगे ट्रिक है हमारी जिसे कहेंगे अनिशा दीदी की ट्रॉफी. अब अनिशा दीदी की ट्रॉफी से हम कौन सी बात समझ सकते हैं? घर में एक कोई गेस्ट आते हैं और वहां पर एक ट्रॉफी रहती है गेस्ट रूम में. कोई आता है और वो गेस्ट ये पूछते हैं कि ये किसकी ट्रॉफी है, तो घर के लोग उसको जवाब देते हैं ये अनिशा दीदी की ट्रॉफी है. और यदि अनिशा दीदी की ट्रॉफी है तो हम इसे क्या समझ सकते हैं? कुछ अनुमान आपको लग गया होगा. ये आप समझ रहे हैं एन आइसो, एन आइसो की हमने बात की. अनिशा का मतलब हम एन आइसो कह रहे हैं. जो यहाँ ट्रॉफी दिया हुआ है, ट्रॉफी को हम यदि इस साइड ले आए और ये बन जाए, इस वर्ड को इस साइड सेलेक्ट करके ऐसे कंबाइन कर दे और ये बन जाएगा एन आइसो ट्रॉफी. हम यहाँ ट्रॉफी कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम ट्रॉफी को ट्रॉफी समझेंगे और ये हमारा हो गया एन आइसो ट्रॉफी. अब एन आइसो ट्रॉफी क्या है? यहाँ पर लिखा है different direction, different value of properties means anisotropy. Anisotropy क्या है? Different direction में different value of properties मिल रही हैं. Anisotropy में different direction में different value मिलेगी properties की. अनिशा दीदी की ट्रॉफी. तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों? अनिशा दीदी की ट्रॉफी, अनिशा दीदी की. तो दोस्तों जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है आप उसे आइसोट्रॉपी कहेंगे.